आगरा के थाना कमला नगर इलाके के कानपुर हाईवे पर वाटरवर्क्स फ्लाईओवर के पास एक कंटेनर बेकाबू रफ्तार से दौड़ रहा था। कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। कंटेनर में महिलाओं बच्चों सहित करीब 40 सवारियां बैठी थी और बैठी हुई सवारियों में चीख पुकार मच गई। इस सड़क हादसे में महिलाओं सहित करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। राहगीरों ने इस घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेज दिया। बताया जा रहा है कि कंटेनर आगरा से औरैया के लिए जा रहा था। कंटेनर चालक शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। आगरा से मुस्तकीम सैफी की रिपोर्ट। घटना ये थी सर, हम सामने खड़े हुए थे तो ये अपनी रॉन्ग साइड समझ रहा था, ये समझ रहा था डिवाइडर होगा, डिवाइडर तो तंदस ने ऊपर चढ़ा दी और 30 लोग तो पीछे थे और बाहर से लॉक लग रहा था और 10 आगे थी और एक का पैर पट गया, किसी का सर और एक का हाथ टूट गया। काफ़ी लोगों की चोट आई है, 30-40 लोग, 30 पीछे और 10 आगे, और इसने एकदम डिवाइडर को चढ़ा के डिवाइडर पर बैलेंस नहीं बना था, उसका ट्रक पलट गया। ड्राइवर और कंडक्टर भग गया, दोनों भग गए और आधे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 5 लोग, बाकी लोग जो लोग हैं हल्की हल्की चोटें लगी वो अपने बसों से चले गए। इधर आ रहे थे, मानेसर से आ रहे थे और इधर गांव अपने औरैया जा रहे थे घर पे। क्या घटना? घटना ये हो गई कि मैं आ रहा था और दारू पी रहा था रास्ते बराबर, मैंने बोला नींद लग रही थी, मैंने बोला भाई तो चाय पी ले, रोक ले, पानी पी ले, कहीं नहीं नहीं ठीक है, एक बार चाय भी पी, चाय पीने के बाद फिर चला, फिर मैंने दोबारा टोका, तब तक उसने एक्सीडेंट कर दिया। तो फिर डिवाइड काय में थे और इस पर आगे फेस के ट्रक पे यहाँ थे, कहाँ चोट है तुम्हारे? हमारे चोट ये है और हमारे पीछे है। कितने लोग थे? 30 लोग पीछे थे और 10 लोग आगे थे। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आपको वो ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटगन न्यूज को जरूर देखें और हाँ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।